बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज़। नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। फैसले करने वाले नहीं जागेंगे तो मुल्क की तबाही के जिम्मेदार होंगे। इमरान खान ने कहा है कि मेरे खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल, तोहीन अदालत और गद्दारी के 96 मुकदमा दर्ज हैं। केस बनाने वाले मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम हैं। हुक्मरान मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैंने अदालत जाने से कभी इनकार नहीं किया। मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा। हुकूमत मुझे जेल में बंद करके इलेक्शन कराना चाहती है। नवाज शरीफ की चोरी का बाहर के अखबारों में जिक्र है। मरियम नवाज ने जमान पार्क ऑपरेशन की एक और फोटो ट्वीट कर दी। ये सियासी कारकुन नहीं, तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं। मजीद कहा कि इससे पहले कि देर हो जाए, रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर आजम एटमी असासों पर इसहाक डार के बयान पर वजाहत दें। शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा, कहा कि पाकिस्तान का प्रोग्राम आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और दिफा के लिए है। इसहाक डार के बयान पर सेनेटर रजा रबानी ने तशवीश का इजहार किया। वजीर आजम नोटिस लें। जमान पार्क में चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट के अहकाम हवा में उड़ा दिए। इमरान खान हथियारों से लेस और जत्थों को लेकर रियासत पर हमलावर हैं। अदलिया इदारों की पुरअसरार खामोशी मुल्क के लिए खतरा बन रही है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि इमरान खान अदालतों से रिलीफ का बंडल पैकेज ले रहा है। इस दहशतगर्द को कोई पकड़ने वाला नहीं। और इमरान खान कारकुनान को अदालतों पर, पुलिस इदारों पर हमला आवर होने के लिए उकसा रहा है। वजीर सिंध सईद यानी कहते हैं कि इमरान अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं। वो जिस तरह अदालतों में पेश हो रहा है, माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अदालतें भी इसे खुशी खुशी रिलीफ दे रही हैं। हेडलाइंस आपने जानी है A1 TV के न्यूज स्टूडियो से। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV सब पे नजर, अंदर की खबर।